ये अच्छा है लेकिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। आज मैं एक नया रिव्यू लेकर आई हूँ आपके सामने फूड प्रोसेसर का। मैं एक फूड प्रोसेसर लेकर आई हूँ जिसमें चीज़ को शरेट करते हैं और मुख्तलिफ वेजिटेबल्स जो हैं, सब्जियाँ हैं, उनको भी हम कद्दूकश करते हैं या क्रश्ड करते हैं, उनको भी शरेट करते हैं। तो मैं अपना रिव्यू आपको दिखाती हूँ कि मुझे ये प्रोसेसर कैसा लग रहा है। चलिए इसको खोलते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले ये इसमें उन्होंने गाइड के लिए बुक दी हुई है, जो कोई उस वक्त पढ़ता है जब उसको कुछ मशीन में समझ नहीं आता, वरना मैं तो अक्सर नहीं पढ़ती। ये इसकी पैकिंग है, तो ये हमारा निकला। ये प्रोसेसर का ये इनकी मशीन है, स्मार्ट सी मशीन तो इसकी काफ़ी अच्छी है, मतलब स्पेस भी इतनी ज़्यादा नहीं लेगी है। पैकिंग तो आपको पता है कि ये लोग काफ़ी अच्छी करते हैं। तो ये इसके बटन हैं, ये अभी मैं फिर चला कर देखूँगी कि क्या है, अब इसका क्या है। तो टेप वगैरह खूब लगाई हुई है, टेप ही मैं उतार लूँ। पहले तो इसकी पैकिंग है, देखें क्या क्या है इसमें। ये चूंकि बड़ा शार्प है इसलिए उन्होंने टेप लगाई हुई है। ये एक ब्लेड है इसका, इस तरह ये इसका एक ब्लेड है, ये चीज़ को ग्रेट करने के लिए। और इसी तरह वेजिटेबल्स, जैसे हम गाजर का हलवा बनाते हैं या गजरेला, तो उसके लिए गाजरें कद्दूकश करना। और ये एक और है, ये स्लाइस वगैरह बनाने के लिए है, इस तरीके से नंबर दो। ये मुझे बुक में देखना पड़ेगा कि इसका क्या क्या होता है। और ये है, ये डो के लिए है, यानी आप डो को बना सकते हैं, आटा गूंद सकते हैं इससे इसमें। और ये जो है ये बहुत शार्प है, ये बी केयरफुल, ये बहुत शार्प है तो इसको हाथ ऐसे नहीं लगाना, बस ये चीज़ें हैं इसमें। और ये है इसका प्याला, प्याला इतना बड़ा नहीं है लेकिन ठीक है, सही है। और इसको बंद बंद होने का क्या है इसका, ये ऐसे करके, अच्छा इसको, ये जो क्लोज होता है ना, अच्छा ये बंद आराम से होता है, ये चीज़ अच्छी है। और ये इसको ऐसे करके श्रेड करने के लिए होगा कि जब आपको श्रेड करना है तो इसमें ऐसे डालना है, श्रेड करना। इतनी बड़ी मशीन नहीं है ये, लेकिन ये कि नॉर्मल है, सही है। पहले मेरे पास जो फूड प्रोसेसर था वो काफ़ी बड़ा था, अब ये थोड़ा सा उससे साइज में छोटा है, लेकिन ठीक है। क्या अब मैं इसको धो के आती हूँ, फिर मैं गाजरें कद्दूकश करके दिखाती हूँ आप। मैंने अभी इसको यूज़ भी नहीं किया, लेकिन मुझे ना ये अच्छा नहीं लगा ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत छोटा है मेरे लिए, हाथ बहुत छोटा, क्योंकि पहले मेरे पास था तो ये देखें कितना छोटा था। लेकिन ये कि इसमें अगर मैं इतनी सी गाजर भी डालूँ तो इसको भी काट के डालूँ, नहीं मुझे नहीं अच्छा लगा। मैं इसको वापस करके दिखा लाऊंगी थोड़ा बड़े साइज का। मैं यही मेरा रिव्यू है, ख़त्म हो गया मेरा इरादा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ये अच्छा है लेकिन ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे नहीं पसंद आया। लोगों को पसंद आता होगा जिन्होंने कम कम करना हो। ये मैं कोई किसी की पब्लिसिटी नहीं करी, कुछ नहीं करी, बस मैं ये एक आइटम लाई थी। और मेरा रिव्यू ये है कि मुझे ये इसलिए पसंद नहीं आया कि ये बहुत छोटा है और मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे बड़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं कि काम जल्दी हो, सारा क्विकली हो। ये आप देखें इतना छोटा सा इसका ये है, तो ये बच्चों के लिए ठीक है, वो खेलें इससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने आपको दिखाना था पूरा रिव्यू लेकिन मुझे मशीन ही पसंद नहीं आई, तो मैं क्या करूँ, अब ये मैं वापस करूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, ज़्यादा छोटा है, मज़ा नहीं आ रहा। वो पहले वाले इतने बड़े होते थे, मुँह इतने बड़े, इतने कितनी छोटी करूँगी गाजरें, चीज़ के भी स्लाइस कितने छोटे करूँगी मैं। उन्हें बोलते तो मुझे नहीं पसंद आ रहा, मैंने दे दी रिव्यू। ये है पीस, ये भी नहीं आ रहा, इतना छोटा पीस भी इसमें नहीं आ रहा। मुझे अब ना सब टेंशन हो रही है, इतना इतना नन्ना मुन्ना सा पीस, ये मैं क्या क्या करूँगी। और इतना ये इतना दया भी हो रहा है, देखें क्या हो रहा है। तो ये सारे ऐसे ही चल रहे हैं, इतनी
इतनी महंगी दुकान और स्पीड भी नहीं है इसकी कोई, तो मैं तो रिकमेंड करूंगी कि कोई भी ना ले, मैं तो रिकमेंड करूंगी तो कोई भी ना लेके पीस ऐसे ही आ गया। अब मैं मुझे बताएंगे ये क्या है, मैं क्या बोलूं, झूठ बोलूं हैं? मैं तो रिकमेंड करूंगी मुझे ही नहीं कोई भी ना ले, इतना मेरा खामा खा मुझे। अब कहीं और से मशीन लानी पड़ेगी उधारी। क्या गुस्सा आ रहा है मुझे क्या।